मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर स्थित कृषि महाविद्यालय में किसान संसद का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश कृषि मंत्री सचिन यादव एवं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। कीटनाशक के नाम से, कभी खरपतवार के नाम से, कभी खाद और बीज के नाम से हमारे किसानों का जो है शोषण करने का काम आदरणीय साथियों किया जा रहा है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम हमारे किसानों की जो उपज है, क्योंकि हम जमीन तो बढ़ा नहीं सकते, अगर हमको कुछ बढ़ा सकते हैं तो हम हमारे किसान की उपज को बढ़ा सकते हैं, और उस दिशा में हमारी सरकार जो है काम करने का काम आदरणीय साथियों का। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हमारे किसानों की जो फसल है उस फसल का उचित दाम जो है हमारे किसानों को मिले, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम चाहते हैं, हमारी सोच है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा किसान जो है उसकी उपज सीधे जो है फैक्ट्रियों तक पहुंचे, और जो बीच में जो हमारे किसानों का जो शोषण होता है, जो मिडिलमैन होते हैं, इन मिडिलमैन को कैसे खत्म किया जाए, इसके ऊपर हमारी सरकार विचार कर रही है। मुझे मालूम है और मध्य प्रदेश के किसान उस छलावे में आए, लेकिन बाद में सब समझ गए कि ये व्यापारियों के हित की बात हो रही, किसान के हित की बात नहीं हो रही। और इसलिए मुझे खुशी है, ये कदम स्वागत योग्य है कि मध्य प्रदेश शासन ने भावांतर योजना को समाप्त कर दिया है। बीमा योजना शुरू की गई, वो की गई जो बीमा कंपनी उम्मीद करते हैं किसानों को भला करेंगे। ये जो है इन्होंने पंजाब हरियाणा बना दिया, इनके अरे साहब बीजेपी का काम कर रहे हो क्या? अधिकारी हूँ, बहुत पवित्र काफी नाराज हुई है किसानों में। मंत्री जी भी भलीभांति जानते हैं सोनी वर्मा कहीं बोले कि तेरे को हरिजन था। इसके राव साहब अनुसंधान से जुड़ा हूँ मैं, वो सोयाबीन अनुसंधान से। लोग राजनीति करते हैं, बीजेपी की राजनीति करते हैं, हमारा मालूम नहीं है। आनंद मोहन माथुर साहब, हम ये बुलाया और एक के भी हाथ पेड़ा के लिए बुलाया, किसान आके सब अधिकारी ने बुलाया और यहाँ के बड़ा बड़ा हम बताया वहाँ से संचालन कर रहे थे, किसानों को क्यों नहीं बुलाया? कहाँ बुलाया? नहीं, किसानों के द्वारा क्यों नहीं कराया? बंदा आपने करवाना था, अब क्यों कराई? अब क्यों कराई? उसने उद्घाटन स्वागत की बेला खत्म हो गई ना। आप किसी के भी गुमराह में नहीं आए। अभी वो लोग ज्यादा बोल रहे हैं
जिन्होंने 15 साल कभी किसान की चिंता नहीं करी, वो लोग ज्यादा बोल रहे हैं जिन्होंने किसान से, वो लोग आज ज्यादा बोल रहे हैं जो जिन्होंने किसान को वादा किया था कि 15 लाख रुपए आपके खाते में डालेंगे, क्या 15 पैसे भी आपके खाते में आए क्या? तो ये कांग्रेस सरकार है, ये किसान की सरकार है, ये कमलनाथ जी की सरकार है। हम हमारे वचनों को पूरा करने का काम करेंगे और